हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड मास्टर रोल आना चाहिए। इस टॉपिक में कई आपको काफ़ी सारे साइंस जैसे कि आपको पता होंगे, जैसे लेस देन का साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, है ना, इस तरीके से। और बोर्ड मास्टर रूल भी आपको इसमें पता होना चाहिए, ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। इसमें बोर्ड मास्टर रूल बताना चाहिए, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना किसके ब्रैकेट को, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सारे डिजिट हो। और कुछ ये साइंस जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, इस तरीके से, ओके। आपको इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के दिए जाएंगे, आपको एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है, एक आपको इक्वेशन दे रखी है, सिंपल इक्वेशन है अभी ये। आपको उसमें क्या करना है, इसमें साइंस इंटरचेंज करने को बोलेंगे आपसे क्वेश्चन में। जैसे सपोज आपको बोला है इफ प्लस एंड माइनस साइंस आर इंटरचेंज, सिमिलरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। मतलब इंटरचेंज मतलब उनके प्लेस को मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड को करना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई को करना, इस तरीके से। सपोज उसने बोला इफ प्लस एंड माइनस साइंस आर इंटरचेंज, मतलब प्लस और माइनस साइन जो है उनकी पोजिशन उनको इंटरचेंज करना है। 10 माइनस 2 प्लस 12 है तो 10 प्लस 2 माइनस 12 हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, सिमिलरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, मीन्स मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड को करना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई को करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। ये हमारी ओल्ड इक्वेशन थी और ये हमारी नई इक्वेशन बनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नई इक्वेशन बनी है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। ये हमारी इक्वेशन बनी है, ये ओल्ड थी, ये न्यू है। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको किसके अकॉर्डिंग इवेल्युएट करेंगे, ये वाला जो रूल है, बोर्ड मास रूल है, इसके अकॉर्डिंग। मतलब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे जो इक्वेशन है उसको पहले डिवाइड करना है, पहले उसकी डिविजिबल, जो डिविजिबल वाले डिजिट है पहले उनको सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले डिजिट को सॉल्व करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ओके। जैसे इसमें ये है 10 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0। देखो अब पहले डिविजिबल वाले को करने, पहले इसको करना है, 12 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना और 12 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। देन उसके बाद एडिशन करना है तो 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, 12 माइनस सब्ट्रैक्शन बचे 12 माइनस यहाँ पे 0 था तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 12 आ जाएगा, इस तरीके से, ओके। आपने पहले डिवाइड किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है, फिर एडिशन किया है और फिर जो भी इवेल्युएट करके आएगा उसको माइनस कर दिया है, बोर्ड मास्टर रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट का पैटर्न ये है, आपको बताया गया, आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन आपको दी गई है, आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन के, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है इसमें कि आप मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है ये 30 के इक्वल आनी चाहिए। आप देखो ये इक्वेशन है 30 के इक्वल आ रही है या नहीं, देखो पहले इसको करेंगे 3 आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की माइनस 4 12 इंटू 3 प्लस 8, क्या ये 30 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये 44 बन रहा है। तो हमें ये बताना है कि हमें क्या इंटरचेंज करना होगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या डिजिट या क्या हमें ये जो ये साइन है, कौन से साइन है, कौन से डिजिट को इंटरचेंज करके उसकी पोजीशन को दूसरी पोजीशन पे रखे ये 30 आ जाएगा। सबको पुट करके देखेंगे कि क्या डिवाइड और माइनस की जो दो साइन है डिवाइड और माइनस की, इनको इंटरचेंज करके क्या आंसर आ रहा है 30 का। लेट्स सी, माइनस की जगह हमने कर दिया डिवाइड को, देन डिवाइड की जगह हमने कर दिया माइनस को, क्या इससे 30 बन रहा है, 4 से 24 प्लस पहले एड करेंगे फिर माइनस 2 करेंगे तो 32 माइनस 2 बन रहा है, इससे 30 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना, पहला ही आंसर ठीक है इसका। जैसे आगे का मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 4 और 2 का इंटरचेंज बोला है इसने तो 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो देखो ये तो यही गलत हो रहा है, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमारा पॉइंट में बन रहा है 3 अपॉन 2 1.5, ये हमारा वही गलत हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ ही नहीं रहा है ना,
तो ये हमारा वही करके इस तरीके से आपको ऑप्शन कोड करके आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू इंटरचेंज करके, कौन सी वैल्यू है, कौन सा साइन इंटरचेंज करके आपकी इक्वेशन बन रही है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सी और डी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये पैटर्न है हमारा, आपको इस इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन अनसॉल्व इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। आपको दिया हुआ है 4 × 6 × 9 = 649, 7 × 3 × 2 = 372, देन 8 × 9 × 4 = what, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखो आप इसमें क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये सेकंड नंबर पर चली गई, और जो सेकंड डिजिट है वो फर्स्ट पे चली गई, थर्ड डिजिट थर्ड पे ही है। सेम इसी में हो रहा है, फर्स्ट डिजिट सेकंड पे चली गई, सेकंड फर्स्ट पे, और थर्ड सेम, थर्ड की पोजीशन सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड की पोजीशन सेम है, फर्स्ट पोजीशन बीच में आ गई है, सेंटर में आ गई है, और जो हमारी सेकंड पोजीशन है फर्स्ट पे आ गई है। आंसर हो गया इसका 984 इस तरीके से। ओके कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसमें बॉडी मास के रूल के अकॉर्डिंग करना, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द अनसॉल्व इक्वेशन, आपको एक अनसॉल्व इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना है। यदि 678 = 366, 567 = 255, देन व्हाट 946 = व्हाट, ठीक है ये बताना है हमको। तो आप इसमें देखो 678 में क्या माइनस करके, पहले माइनस करके देख लेते हैं, 212 माइनस 678 को माइनस 312 कर रखा है, उसके बाद ये डिजिट बनी है हमारी। और आगे देखते हैं 567 255 21, इसमें भी माइनस 312 कर रखा है, जब जाके ये डिजिट बनी तो सिमिलरली इसमें भी माइनस 312 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 436 634 इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द इक्वेशन, आपको इसमें एक साइन, तीनों में एक ही साइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन में। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है, आपको साइन रिप्लेस करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये जो साइन दे रखे हैं इनकी जगह आपको साइन रिप्लेस करके बता रहे हैं इक्वेशन कौन सी ठीक बैठी है। जैसे पहले रखते हैं 24 में ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखते हैं, माइनस 2 / 4 = 8, क्या ये इक्वेशन बन रही है। देखो पहले डिवाइड करेंगे 2/4, ये नहीं बनेगी क्योंकि 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 24 = 2/4 - 8, क्या ये भी इक्वेशन बन रही है भाई, इक्वल टू 24 तो आ ही नहीं सकता, ये सारी छोटी डिजिट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं और यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर माइनस, तो क्या ये डिजिट बन रही है, इज इक्वल टू 12 = -4, नहीं बन रही। लास्ट है डिवाइड माइनस और इक्वल टू, ए को सॉल्व करके 12 - 4 माइनस वाली इक्वेशन बन रही है, 8 = 8, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इस तरीके से। ओके हमारा ये वाले साइन को रिप्लेस करके हमारी इक्वेशन सही बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं 73 + 82 = 14, 91 + 21 = 11, देन 86 + 24 = 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 73 + 82 हमें दे रखा है 14, आप देखो अगर 7 - 3 7 को ये दो डिजिट को माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, 8 + 2, यानी इसको माइनस कर रहे हैं इसको प्लस कर रहे हैं उन दोनों का फिर प्लस कर रहे हैं तब जाके ये हमारा डिजिट बन रहा है। जैसे 9 - 1 8, 2 + 1 3, 8 + 3 11, सिमिलरली 8 - 6 2 2 + 4 6 = 8, आंसर क्या हो जाएगा इसका 8। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 × 2 = 16, 2 × 3 = 36, 2 × 4 = 64, देन 2 × 6 = what, 2 × 4 क्या होता है 4, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी 2 × 2 का स्क्वायर बन रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे 2 × 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 2 2 × 4 8, 8 का स्क्वायर 64, सिमिलरली 2 × 6 क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर फिगर भी आने चाहिए रीजनिंग के, रीजनिंग में एसएससी में बैंकिंग में आप जो भी सी या फिर आपका यूपीएससी में सी सेट होता है क्यूब रूट स्क्वायर रूट भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मल्टीप्लाई मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, प्लस मींस डिवाइड, ये अलग पैटर्न है आपका, एंड डिवाइड मींस प्लस, देन आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस पैटर्न में आपको क्या दे रखा है, आपको साइन इंटरचेंज करने को बोला है कि आपको इसकी जगह इसके प्लेस पे ये साइन रखना है,
है ना। मैंने आपको इससे पहले आपको तीन पैटर्न आपको बता दिए मैंने, है ना। ये आपका चौथा पैटर्न है। अगर माइनस की जगह हम क्या रखते हैं, मल्टीप्लाई रखते हैं 15 मल्टीप्लाई 10, और डिवाइड की जगह हम क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, और प्लस की जगह डिवाइड, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस। तो ये हमारी नई इक्वेशन बनी है, हमें इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। ये हमारी ओल्ड इक्वेशन थी, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनानी है उसे सॉल्व करना है। तो पहले हमें बोर्ड मार्क्स का रूल लगाना है। पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा 130 डिवाइड बाय 10, 13 आएगा यहाँ पे, देन मल्टीप्लाई 150, है ना। बोर्ड मास डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन, इनका एडिशन करेंगे क्या आएगा 163, देन सब्ट्रैक्शन, तो आंसर क्या आ गया 113। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। 7 × 4 × 8 = 4498, 3 × 6 × 5 = 695, देन 5 × 9 × 4 = what, ये पूछा है ना। तो आप क्या देखेंगे, आपने देखा ये जो थर्ड डिजिट है ये हमारी एस इट इज उसी की प्लेस पर है ना, और सेकंड डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आ गई। जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर होकर सेंटर में आया है, देख रहे हो ना, 7 का स्क्वायर होकर सेंटर में आया है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये लास्ट पे है ये फर्स्ट पर है, तो मैं क्या करती हूँ इसको लास्ट में कर लेती हूँ, उसको फर्स्ट में कर लेती हूँ, और जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर बीच में आया, यानी 5 का स्क्वायर बीच में आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9254। ओके नेक्स्ट है हमारा, इफ पी स्टैंड फॉर माइनस, क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, आर स्टैंड फॉर डिवाइड, एंड एस स्टैंड फॉर प्लस, देन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमें। तो 14q3p12s4r2, ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सिंपल है। 14q, क्यू के स्टैंड पे क्या बोला उसने, मल्टीप्लाई, 3p के स्टैंड पे क्या बोला माइनस, 12s के स्टैंड पे क्या बोला प्लस, और 4r के स्टैंड, r स्टैंड टू डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। ओके पहले डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे क्या आएगा 42, देन प्लस करेंगे 42 माइनस 12 प्लस 2 ये बन रहा है, देन हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे 44 माइनस 12, देन सब्ट्रैक्शन 32, इस तरीके से। ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, आपको इसमें बस बोर्ड मार्क्स का रूल याद रखना है। मैंने आपको अलग अलग पैटर्न बताए कि जैसे एक पैटर्न मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन अनसॉल्व इक्वेशन दे दी आपको सॉल्व करना है, और एक बताया था आपको साइन इंटरचेंज करने हैं, एक तरफ तो आपको एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइन इंटरचेंज करने हैं, और एक पैटर्न बताया था मैंने आपको क्वेश्चन में ही गिवन है साइन इंटरचेंज करने के लिए, आपको इक्वेशन नई इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करना है। ओके थैंक यू बाय।